Good morning students as you know that we are doing chapter 8 of social science climate of india in previous part we have done what is weather what is climate the difference between weather and climate and today we will learn about the different seasons of india based on the changes in weather a year is divided into seasons एक पूरा साल जो है वो सीजन्स में डिवाइड होता है बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन वेदर और आपको पता है कि सीज़न किस तरह बनते हैं कि जो अर्थ है वो कितनी सूरज के नज़दीक है और कितनी सूरज से दूर है उसके अकॉर्डिंग जो है वो सीज़न्स बनते हैं सो इंडिया इज़ डिवाइडेड इन टू फाइव सीजन्स इंडिया जो है वो फाइव सीजन्स जो है वी आर इन्जॉइंग फाइव सीजन्स इन इंडिया समर मानसून विंटर स्प्रिंग एंड ऑटम सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट फर्स्ट ऑफ ऑल समर सीजन समर सीज़न गर्मियों का मौसम ये मार्च महीने से शुरू हो जाता है और जून तक जो है वो चलता है जिसमें मई और जून जो हैं वो सबसे गर्म महीने जो हैं, वो माने जाते हैं इस सीज़न में दिन में बहुत गर्मी होती है और जो डे है वो लंबे होते हैं दिन लंबे होते हैं रात के मुकाबले जो नॉर्दर्न प्लेन्स है इंडिया का वहाँ पर एक गर्म हवा जो चलती है हॉट एंड ड्राई विंड जिसको बोला जाता है लू और जो कोस्टल एरिया हैं जो समुद्र के पास लगते है एरिया हैं वहाँ पर कम गर्मी होती है वहाँ पर कम गर्मी क्यों होती है बेटा कि जो ओशन है या सी है, वो लैंड के मुकाबले ज़मीन के मुकाबले जो है, वो स्लोली जो है वो गर्म या ठंडे होते हैं वो इतनी जल्दी जो है वो ना हीट जनरेट करते हैं और ना ही जो है वो कोल्ड जनरेट करते हैं जितनी जल्दी की जो लैंड एरियाज़ हैं क्योंकि वहाँ की जो आ, सी है ना वो थोड़ा सा जो है वो वेदर को कंट्रोल में रखता है वहाँ पर ठीक है और गर्मियों के मौसम में लोग जो हैं वो हल्के कॉटन के कपड़े जो है वो पहनना पसंद करते हैं मॉनसून सीज़न मॉनसून सीज़न जिसको रेनी सीज़न भी कहा जाता है ये जुलाई से लेकर अक्टूबर तक जो है वो चलता है अब आप कहोगे कि मैम जुलाई में तो और ज़्यादा गर्मी होती है जुलाई अगस्त ये तो और ज़्यादा जो है वो गर्मी पैदा करते हैं तो इन महीनों में जो गर्मी होती है बेटा वो होती है ह्यूमिडिटी के कारण ह्यूमिडिटी क्या होती है ह्यूमिडिटी जो है वो होता है मॉइस्चर जो एयर है उसमें कितना मॉइस्चर है उसको ह्यूमिडिटी जो है वो कहते हैं ठीक है जो हवा है उसमें जो है वाटर वेपर प्रेजेंट रहते हैं आपने साइंस में भी पढ़ा होगा वाटर वेपर क्या होते हैं छोटे छोटे पानी की जो है वो बूंदें होती हैं इसीलिए इन महीनों में हमें जो है हम हमें ज़्यादा पसीना आता है बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी सो ये जो गर्मी है जुलाई से लेकर जो जुलाई अगस्त सितंबर में हमें जो है वो गर्मी इसलिए ज़्यादा लगती है बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी अब मॉनसून सीजन में जो है वो जो विंड है वो जो हवा है बेटा वो सी से लैंड की तरफ चलती है इंडिया में अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन यहाँ से जो विंड है वो लैंड की तरफ चलना शुरू हो जाती है और ये विंड अपने साथ बहुत सारा जो है वो पानी लेके आती है मॉइस्चर लेके आती है और उसी से जो है वो ह्यूमिडिटी होती है तो वो मॉइस्चर जो है जब वो मॉइस्चर लेके आती है तो जी जो पूरा इंडिया है उसमें बारिश इसी की वजह से होता है इन्हीं विंड्स की वजह से होता है सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड में बारिश है वो भी इंडिया में ही होती है मोयसरम में मोयसरम मेघालय में है पहले चीरापुंजी में सबसे ज़्यादा बारिश होती थी वो भी मेघालय में है लेकिन अब मोयसरम जो है वो वर्ल्ड में मैक्सिमम रेन जो है वहाँ पर होती है अब जैसे इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है वैसे ही इंडिया के कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ बहुत कम बारिश होती है जैसे राजस्थान जो डेज़र्ट एरिया है वी हैव लॉन्च इन इन द थार डेजर्ट चैप्टर कि कैसे वहाँ पर जो है वो बारिश बहुत कम होती है सो so, वहाँ बारिश कम होती है और इस वजह से वहाँ का एरिया काफ़ी जो है वो हॉट एंड ड्राई है अब हमारा जो मानसून सीजन है ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्यों क्योंकि इंडिया जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड है जो मैक्सिमम लोग हैं वो एग्रीकल्चर खेती करते हैं इस वजह से यहाँ पर क्या है कि जो लोग हैं वो बारिश के ऊपर बहुत डिपेंड है उनकी एग्रीकल्चर इसलिए मानसून हमारे लिए जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और इन सीजन्स में रेनी सीजन्स में यू you नो know, हम रेन कोट्स अम्ब्रेलाज इन चीज़ों को यूज़ करते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ जो फ़ूड आइटम्स हैं टी पकौड़ाज ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा जो है इस टाइम खाई जाती हैं विंटर सीज़न सर्दियों का मौसम जैसे आपको पता है कि नवंबर मंथ इज़ गोइंग ऑन और इस टाइम जो है हमें ठंड लगनी स्टार्ट हो गई है सो so नवंबर से फेबररी का जो टाइम पीरियड होता है वो विंटर सीज़न का होता है और सबसे जो ठंडे महीने हैं वो हैं दिसंबर एंड जनवरी और हमारे जो विंटर सीज़न है उसमें कई बार इतनी ठंड होती है कि जो टेम्परेचर है वो कई एरियाज़ में ज़ीरो डिग्री से भी नीचे चला जाता है स्पेशली माउंटेन एरियाज़ में माउंटेन एरियाज़ में इस टाइम जो है वो स्नोफॉल भी होती है जैसे रिसेंटली जो है अभी हो रही है काफ़ी एरियाज में दिन जो है वो वार्म होता है अगर धूप निकली हुई है तो डे जो है वो थोड़ा सा वार्म होगा लेकिन रात जो है वो बहुत ठंडी होती है और जो विंटर की नाइट्स हैं वो डे से लंबी होती हैं जैसे समर में दिन लंबे होते हैं विंटर में रातें लंबी होती हैं और जो कोस्टल रीज़न है अगेन जो समुद्र के साथ लगते एरियाज हैं वहाँ विंटर जो टाइम पीरियड है वो प्लेजेंट होता है वहाँ पर बहुत ठंड नहीं पड़ती और लोग इस सीजन्स में क्या पहनते हैं वुलन क्लोथ्स। ऑटम ऑटम जिसको पतझड़ का महीना भी कहते हैं बेटा क्योंकि इस सीज़न में जो पत्ते हैं जो पेड़ हैं उनके पत्ते गिर जाते हैं और नए जो हैं वो नए लीव्स जो हैं वो ग्रो होना शुरू हो जाते हैं ये रेनी सीजन जब ख़त्म हो जाता है और विंटर शुरू होने से पहले ये जो है सीज़न आता है इस सीज़न में स्काई जो है वो मोस्टली क्लियर रहता है बहुत कम बारिश होती है और प्लेजेंट वेदर होता है ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और ना बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है लेकिन इस टाइम पीरियड का जो मेन फीचर है वो है कि जो बहुत सारे पेड़ हैं वो अपने लीव्स जो हैं वो पत्ते जो हैं वो उस उनके गिर जाते हैं स्प्रिंग सीजन इस सीज़न को जो है वो क्वीन ऑफ द सीज़न्स भी कहा जाता है क्योंकि ये जो सीज़न है ये सर्दियाँ ख़त्म होने के बाद और गर्मियाँ शुरू होने से पहले का पहले जो है वो आता है इस टाइम पे भी ना बहुत गर्मी होती है ना बहुत ठंड होती है जो अर्थ है वो बहुत जो है वो फ्लावर्स uh, और नए नए पत्ते जो है वो प्लांट्स में ग्रो होते हैं ट्रीज़ पे ग्रो होते हैं नए नए फूल जो है वो ग्रो होते हैं इसलिए ये सीज़न जो है ये बहुत ब्यूटीफुल सीज़न जो है वो होता है इसको हम बसंत ऋतु भी कहते हैं अभी हमने जो है वो जनवरी के लास्ट और फेब फेब में जो है ये सीज़न जो है वो आता है और अभी जो है उस टाइम पे हम जो है जो पंजाब है इसमें जो है काइट्स भी बहुत ज़्यादा जो है इस टाइम पे जो है काइट्स बिकॉज ऑफ दैट बसंत ऋतु काइट्स भी उड़ाई जाती हैं सो so, बेटा ये थे हमारे जो डिफरेंट सीजन्स थे जो इंडिया में जो है डिफरेंट सीजन्स आते हैं वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट बेटा जो पेज नंबर फिफ्टी फोर पर डिड यू नो है वो भी आपने लर्न करना है वैल्यू कॉर्नर्स भी आपने जो वो है वो लर्न करने हैं और ये जो चैप्टर है ये आपने अच्छी तरह रीड करना है थैंक यू